नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप टूर्स पर। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था हाउ टू सेट अप योर पीसी लैपटॉप फॉर वेब डिज़ाइनिंग। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या फिर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो अपने पीसी को किस तरह से सेटअप करेंगे ताकि आप वेब डिज़ाइनिंग का काम कर सकें। लेकिन ये एक अधूरा वीडियो था, इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू सेटअप योर पीसी और लैपटॉप फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट काम के लिए आपको सेटअप करना बताऊंगा, जिसमें आप वेब डिज़ाइनिंग कर पाएंगे और वेब डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे। देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट का एक पूरा काम में दो सेक्शन होता है। उसको समझाने के लिए मैं आपको ये टेक्स्ट दिखाना चाहूँगा। तो हम लोग आज जो वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो वीडियो है वेबसाइट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे आप अपने पीसी या लैपटॉप में। मान लीजिए आपने नया पीसी या लैपटॉप खरीदा है तो फिर उसे किस तरह से आप सेटअप करेंगे पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए। जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो काम करने के लिए कर सकते हैं। तो उसमें दो सेक्शन आता है, एक वेब डिज़ाइन का आता है जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, और दूसरा जो सेक्शन आता है वो है वेब डेवलपमेंट का, जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करके उसकी फंक्शनैलिटी वगैरह बनाते हैं। इसे कोडिंग प्रोग्रामिंग आप जिस हिसाब से भी कह सकते हैं। तो वेब डिज़ाइन सेक्शन में आपका नॉर्मली HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap और Photoshop का इस्तेमाल होता है। आज ये डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर आप इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और ये सारा कैसे सेटअप करना है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था हाउ टू सेटअप योर पीसी लैपटॉप फॉर वेब डिज़ाइन, ठीक है। और उसका लिंक आपको हमारे चैनल पे अभी का लेटेस्ट वीडियो में से थर्ड नंबर पे है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी डेप टूर्स टेक शो में आप देख सकेंगे। ये जो टेक शो है इसमें लगभग मैंने 50 एपिसोड बनाए हैं, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आखिरी तरफ वीडियो में आपको ढूंढना होगा जो तीसरा वाला वीडियो है, ये देख सकते हैं, दूसरा वाला वीडियो है हाउ टू सेट अप योर पीसी फॉर वेब डिज़ाइनिंग इन हिंदी। इसमें मैंने सारा वीडियो में बता दिया है आपको कि किस तरह से आप सेटअप करेंगे। तो आज हम लोग उससे ऊपर जाएंगे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब वेब डेवलपमेंट का जो सेक्शन है, प्रोग्रामिंग सेक्शन है, उसमें यह डिपेंड करता है कि आप अपने एनवायरमेंट को किस तरह से सेटअप करेंगे, क्योंकि लोगों का कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप कौन सा डेवलपर है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आप देख सकते हैं कि मैं एक PHP डेवलपर हूँ। मेरा कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फिलहाल PHP है, तो मैं अपना एनवायरनमेंट PHP के हिसाब से सेट करूँगा। लेकिन मैक्सिमम जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता हूँ, एक है PHP, दूसरा है JavaScript और तीसरा है Python। लेकिन लोग हैं जो कि .NET का इस्तेमाल करते हैं, रूबी का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई सारे और भी लैंग्वेजेस है जो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे अभी नया लैंग्वेज आपने कोटलिन सुना होगा, उसी तरह से काफ़ी सारे हैं, C# हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन वो अपने अपने हिसाब से अपना PC का एनवायरनमेंट जो है, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट जो है, उसे सेटअप करते हैं। मैं आज आपको PHP, JavaScript और Python का ही सेटअप दिखाऊंगा। तो JavaScript का सेटअप पिछली बार हमने कर लिया था जब हमने आपको वेब डिज़ाइन का बताया था। उसके लिए आपको Node.js इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद लास्ट में रहता है कोड एडिटर। आप अगर प्रोग्रामिंग करो चाहे वेब डिज़ाइनिंग करो, कोड एडिटर आपको चाहिए, जिसमें सबलाइन, एटम और ब्रैकेट। और अगर आप पाइथन का काम करते हैं तो पाइचाम करके एक स्पेशल आता है कोड एडिटर, जो ID भी है, तो उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और इन सब का भी इंस्टॉलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछली वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए आज हम लोग PHP के लिए और पाइथन के लिए वेब डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं या वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो सेटअप है वो लगभग PHP से इक्वल है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो PHP में बना है। तो अगर हम लोग PHP का सेटअप कर लेंगे तो वर्डप्रेस का सेटअप अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आज वो मैं बताऊंगा और आपको लाइव सेटअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउजर खोलते हैं और गूगल पर सर्च करेंगे XAMPP जैम्प, और आपको एंटर पे क्लिक करना है। पहले पेज पे आपको एक पेज मिलेगा जिसका नाम है, लिंक मिलेगा, apacheframes.org। आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जैम्प डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अपाचे मिल जाएगी, MariaDB मिल जाएगी, ये MySQL का ओपर वर्सन है थोड़ा सा, और ये आपको PHP और Perl, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और अभी जो लेटेस्ट वर्सन है वो 7.1.9 है PHP का, और ये विंडोज़ के लिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप PHP इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो इस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, आपको दिखा रहा है तो मैं इसे रोक देता हूँ। और उसके बाद दूसरा हमें और एक चीज़ चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं पाइथन का भी सेटअप करूँगा तो इसलिए मुझे पाइथन चाहिए। अगर आप लोग पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप पाइथन नहीं पढ़ना चाहते या डेवलपर नहीं है तो पाइथन का ना करें। तो इस तरह से आप पाइथन सर्च करेंगे तो आपको python.org मिलेगा,
वहाँ से आपको पाइथन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे, आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, पाइथन 2.7 ये पुराना ओल्ड वर्सन है और पाइथन 3.6 ये लेटेस्ट है। हम लोग पाइथन 3.6 में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आप लोग डाउनलोड कर लें, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। फिर उसके बाद में हमें एक कोड एडिटर चाहिए, हमने सारा कोड एडिटर इंस्टॉल करके दिखाया था आपको, लेकिन पाइचार्म जो है वो नहीं किया था, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पाइचार्म। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये jetbrain.com पे लेके जाएगा, ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड पाइचार्म में करूँगा यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे जो पाइचार्म है वो बहुत अच्छा कोड एडिटर आईडी है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि कोड एडिटर और आईडी में कितना फ़र्क होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको कम्युनिटी एडिशन, अगर आपके पास पैसा है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो कम्युनिटी एडिशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप डाउनलोड करेंगे तो आपका डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको exe फाइल मिलेगा। देखिए पिछली बार हमने जब इंस्टॉल किया था तो इतना चीज़ें मैं आपको इंस्टॉल करना बताया था, 7-zip बताया था, एटम बताया था, बिट टोरेंट बताया था, ब्रैकेट बताया था, नोड और सबलाइम आपको इंस्टॉल करने बताया था। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन कर रहे हैं, तो आज मैं आपको पाइचार्म का इस तरह से exe मिलेगा, पाइथन का मिलेगा और जाम का। तो सबसे पहले हम लोग जाम इंस्टॉल करते हैं। जाम्प इंस्टॉलेशन में बहुत एरर आता है, अगर आपका टीम व्यूअर है या फिर स्काइपी है, स्काइप जो होता है वो है, तो पहले इंस्टॉल ऑन इंस्टॉल कर ले उसको, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें। तो चलिए हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करना है, येस करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों का कैसे होता नहीं है मुझे पता नहीं। और आप देख सकते हैं कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको यूजर कंट्रोल का एक मैसेज आएगा, फिलहाल रिकॉर्ड में ना दिख सकता है लेकिन आपको ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कुछ नहीं चेंज करना है, नेक्स्ट। और उसके बाद में यहाँ पे लर्न मोर अबाउट बिट नेम ही दिखा रहा है, हम लोग इसे हटा देंगे, नेक्स्ट और एक बार नेक्स्ट करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन जो है वो चालू हो जाएगा। और इधर जाम्प इंस्टॉलेशन चल रहा है, उसी दौरान मैं क्या करता हूँ कि पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ, पाइथन पर भी डबल क्लिक करेंगे। और याद रखें अगर आपका मशीन अगर स्लो है, आपका पीसी अगर स्लो है, तो 1x1 करें, दो दो ना करें, मैं यहाँ पर जल्दी के लिए कर रहा हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे, ये मैं पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए जो भी चीज़ विंडोज में यही सबसे ज़्यादा आसानी है कि बस आपको इंस्टॉल नाउ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका इंस्टॉलेशन जो है वो हो जाता है। आप देख सकते हैं इधर पाइथन इंस्टॉलेशन चल रहा है, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, इधर हमारा जैम्प इंस्टॉलेशन चल रहा है और एक बज गया पाइचार्म, इसे भी मैं इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप इस तरह से मल्टीपल ना करें, 1x1 करें, मैं टाइम बचाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं येस करूँगा अगर आपको कोई यूजर कंट्रोल के लिए पूछे, नेक्स्ट। और याद रखें कि पाइचार्म करने से पहले आपका पाइथन जो है वो हो जाना चाहिए, तो हम लोग पाइथन का वेट करते हैं पहले, उसके बाद इसे इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग पाइथन, ये पाइथन का कोड एडिटर है तो पहले पाइथन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, तब तक मैं इसे लोडिंग को चलने देता हूँ। आप देख सकते हैं कि पाइथन जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है, अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें फिनिश दिखाएगा, फिर हम लोग पाइचार्म का इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं तीनों इंस्टॉलेशन एक साथ कर रहा हूं, लेकिन आप लोग 1x1 करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पाइथन का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हम इसे क्लोज कर देंगे और अभी हम देखेंगे जो ये कम्युनिटी एडिशन था पाइचार्म का, उसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर हम लोग इसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट दिखा रहा है, तो मैं इसे 64-bit करूँगा क्योंकि मेरा 64-bit है, और .pi पे टिक कर दूँगा और डाउनलोड एंड इंस्टॉल सब कुछ यहाँ पे कर दूंगा और एक्सेस भी अलाउ कर दूंगा, अगर आपको पूछे तो भी आप लोग अलाउ कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। और हाँ, जाम्प इंस्टॉलेशन का टाइम में अपाचे के लिए पूछ सकता है, तो येस करना है आपको और यहाँ पे हम लोग इसे इंस्टॉल कर देंगे। और देखिए ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, उधर वो इंस्टॉल हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में होने का दिखा रहा है। और इधर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जाम्प है वो कम्प्लीट हो चुका है, अब जाम्प को फिनिश करते हैं हम लोग इधर, और देखते हैं कि ये हमें पूछ रहा है, पहले टाइम में ये हमें पूछता है कि इंग्लिश वाला रखना है और ये कौन सा देश का है पता नहीं, लेकिन मैं तो US वाला पहचानता हूँ। इसको सेव कर देंगे हम लोग और देखेंगे कि हमारा जो जंप का कंट्रोल पैनल है वो खुल जाएगा। देखिए ऑलरेडी खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरा जंप का जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो चुका है इस तरह से। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर अपाचे रनिंग एरर, ये एरर वो एरर दिखाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपाचे स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से स्टार्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने 1000 बार इंस्टॉलेशन दिखा है, मेरा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि अभी मैंने अपना पीसी को फ्रेश फॉर्मेट किया था। तो आप लोग भी अगर जब भी अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का सेटअप बिठाए तो पीसी को फॉर्मेट कर लें, क्लीन कर लें, सब कुछ डिलीट कर लें, फिर करें, फिर ये जो MySQL है इसे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो अपाचे है यहाँ पर आपको अलाउ एक्सेस करना होगा, अलाउ कर देते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये हमारा जो कंट्रोल पैनल है PHP का सेटअप ये चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले
इसे चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे, एक नया टैब खोलेंगे और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, तो पता चल जाएगा कि हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो हुआ है कि नहीं पीएचपी सेटअप के लिए। लोकल होस्ट एंटर कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड खुल रहा है, मतलब हमारा जो पीएचपी है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग डाटाबेस चेक करते हैं पीएचपी माई एडमिन, आप देख सकते हैं मेरा पीएचपी माई एडमिन भी चल रहा है। तो हम लोग बैक जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पीएचपी इन्फो, अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा पीएचपी का वर्सन दिखा रहा है 7.1.8। तो मैंने आपके सामने ही इंस्टॉलेशन किया, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, अब मैं अपना पीएचपी का काम कर सकता हूँ। तो अब रहा कि पीएचपी का जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसका मेन फोल्डर किधर है, तो उसके लिए हमें जाना होगा माई कंप्यूटर पे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा दिस पीसी और उसके बाद में मैं जाऊँगा सी ड्राइव में जहाँ आपका विंडोज इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव पे जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा जंप, इसे एक्सैम्प भी कहते हैं, इसका ऑफिशियल क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको खोलना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा एच टी डॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ उसे, एच टी डॉक, एच टी डॉक नाम से यहाँ पे एक होना चाहिए और ये रहा एच टी डॉक। और इसका जो एक शॉर्टकट है आपको डेस्कटॉप पे, ये हमारा रूट फोल्डर है, यहीं पे हम लोग सब कुछ डालेंगे जो हम लोग डेवलप करेंगे पीएचपी का। तो हम लोग पीछे जाते हैं और एच टी डॉक के अंदर में मैं इसे एक शॉर्टकट बना लेता हूँ, एच टी डॉक में राइट क्लिक करना है आपको इस तरह से और सेंड टू, उसके बाद में इसे आपको डेस्कटॉप पे ले जाना है, इस तरह से क्रिएट डेस्कटॉप कर देंगे। तो बार बार आपको सी में घुसना नहीं पड़ेगा, तो आप जब भी मुझे कोई पीएचपी का डेवलपमेंट करना होगा तो मैं यहाँ से एच टी डॉक में जाके यहाँ पे बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग एक बना के देखते हैं, एक फोल्डर में यहाँ पे बनाता हूँ टेस्ट करने के लिए मेरा पीएचपी डेवलपमेंट चल रहा है कि नहीं, और इसका नाम मैं रखता हूँ मान लीजिए हिंदी डेवटूल्स, आप जो भी नाम रख सकते हैं अपना फोल्डर का, आपका फोल्डर है, ठीक है, हिंदी डेवटूल्स बन गया। अब मैं क्या करूँगा, एक कोड एडिटर अपना ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एटम यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एटम का इंस्टॉलेशन प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब एटम में जाके मैं एक यहाँ पे फाइल बनाऊंगा ताकि मेरा पीएचपी चल रहा है कि नहीं वो पता चलेगा, और तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि वर्डप्रेस का भी इंस्टॉलेशन कर देते हैं, हो सकता है कोई कोई वर्डप्रेस डेवलपर हो तो उसे फिर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। wordpress.org में आपको जाना है डायरेक्ट और वहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। तो हम लोग यहाँ wordpress.org में जाएंगे इस तरह से और उसके बाद में यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस इस तरह से आपको डाउनलोड करना है और ये है 4.8.2, इसे मैं स्टार्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, और तब तक हम लोग एक पीएचपी डेवलपमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फाइल करूँगा, ठीक है, एटम पे, और यहाँ पे ओपन फोल्डर करूँगा। ओपन फोल्डर करने के बाद में मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और मेरा जो एच टी डॉक है उसे खोलूँगा और हिंदी डेवटूल्स जो है उसे मैं खोलूँगा सेलेक्ट फोल्डर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से ब्लैंक आएगा आपका, कोई भी फाइल नहीं है, और बाकी जो यहाँ पे अलतू फालतू चीज़ आ रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसे हम लोग बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो है हम लोग का, हमारा यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, इसे हम लोग बाद में करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, नया फाइल, ठीक है, आप देख सकते हैं, और फाइल का जो नाम होगा होगा index.php, क्योंकि हमने जो php इंस्टॉल किया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं वो सब टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एक php प्रोग्राम लिखते हैं, आप आगे चल के जब php पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उस टाइम में, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, फिर आपको लिखना होता है php इस तरह से, और ये हमारा php स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड लिखते हैं, ठीक है, इको, आपको अगर स्क्रीन में कोई शो करना होता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग हेलो फ्रॉम php, आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं जो वो आप दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो फ्रॉम php करता हूँ। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं इस तरह से और जाके लोकल होस्ट में इसे खोलते हैं, ठीक है, ये रहा हम लोग का लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पे आपको टाइप करना होगा लोकल होस्ट, उसके बाद आपका फोल्डर का नाम, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर का नाम था हिंदी डेवटूल्स, ठीक है, और आपको बाद में एंटर कर देना है, अगर आपका फाइल का नाम index.php है तो एंटर करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे, लेकिन हमारा जो फाइल का नाम है index.php था वो डिफ़ॉल्ट है, सर्वर उसी को रन करेगा, तो एंटर। और आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम php, हमारा php का प्रोग्राम चल रहा है, मैं php का कोडिंग कर सकता हूँ, तो मेरा सेटअप कम्प्लीट है, तो मैं php रन कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये php वाला ख़त्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं पाइथन का क्या हुआ, इसे बंद कर देते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं, ये भी हो गया हमारा php का सेटअप कंप्लीट है। अब हम इसे ऑन रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइचार्म जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे रन कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, वो खुलेगा अभी, और चेक करते हैं कि पाइथन हुआ कि नहीं। तो चेक करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम लोग पाइथन टाइप करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 32-bit वाला दिखा रहा है, एक 64-bit वाला भी होता है, तो यहाँ पे मैं पाइथन 32-bit का जो यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन दिखा रहा है उसे चला सकता हूँ, या फिर IDLE जो आता है इंटरेक्टिव सेल उससे चला सकता हूँ। तो मैं IDLE चला के आपको दिखाता हूँ।
तो हम लोग क्लिक करेंगे, अभी ये जो है ये पाइथन का खुलेगा। आप देख सकते हैं मेरा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूँ, जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूँगा, इस तरह से अगर मैं प्रिंट कमांड देता हूँ तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हेलो फ्रॉम पाइथन। ये वाला हमारा पाइथन का सेटअप है। तो पाइथन अगर इंस्टॉल हुआ होगा, हो चुका है आप देख रहे हैं ऊपर में, तो ये हमें दिखाएगा इस तरह से, और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम पाइथन दिखा रहा है। ये इंटरेक्टिव सेल होता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अभी कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल किया है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। ये भी पाइथन भी टेस्टिंग हो गया, और यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग कोई इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ओके करेंगे यहाँ पे, और हमारा जो पाईचार्म है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए दिखा रहा है, एक्सेप्ट, और पाईचार्म खुल गया। मैंने आपको PHP सेटअप दिखा दिया, अब पाइथन भी इंस्टॉलेशन करके दिखा दिया, अब पाइथन के कोड एडिटर आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए HDT इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखना चाहता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आपका प्रोजेक्ट जो है पाइथन का वो क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। आप चाहें तो टिप्स दिखा रहा है, मैं क्लोज करूँगा, टिप्स नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप अपना फाइल बना सकते हैं, न्यू, उसके बाद में यहाँ पे मैं फाइल इस तरह से क्रिएट करूँगा। और फाइल का नाम पूछ रहा है, तो मान लीजिए मैं आप .py आपको एक्सटेंशन रखना होगा क्योंकि पाइथन है। यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरा एक फाइल खुलेगा, आप देख सकते हैं मेरा फाइल खुल गया है। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कमांड लिखूँ इस तरह से, अगर मैं लिखूँगा प्रिंट और उसके बाद में इस तरह से हम लोग देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम पाइथन, मैं ये आपको पाइचार्म सेटिंग करके दिखा रहा हूँ, हो गया। आपको लास्ट में पाइथन में कुछ भी नहीं देना होता है एंडिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रन लिखा हुआ है, या राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से रन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं रन आप दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं रन आप पे क्लिक करूँगा इस तरह से, और नीचे देखिए हेलो फ्रॉम पाइथन, इसका मतलब हमारा पाईचार्म भी चल रहा है। तो PHP सेटअप हो गया, पाइथन सेटअप हो गया, पाईचार्म भी सेटअप हो गया, मतलब अभी आप PHP में वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन का भी आप डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये ख़त्म। अब बाकी रहा वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस के लिए आपको मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए कहा था, ठीक है, wordpress.org जो हम यहाँ पे आके वर्डप्रेस डाउनलोड किए थे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से डाउनलोड नाउ करना है। डाउनलोड हमारा हो चुका है, डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। इसे हम लोग ओपन फोल्डर करते हैं, और जो वर्डप्रेस का मिला है उसे हम लोग डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ 7GB है मेरा, मैं आपको 7GB प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल करना बताया था, एक्स्ट्रैक्ट फाइल, उसके बाद में मैं सेटअप को सेलेक्ट कर दूंगा डेस्कटॉप में, ताकि मुझे इजी होगा, ओके, और एक्स्ट्रैक्ट, तो ये डेस्कटॉप में चला जाएगा। आप इसे डायरेक्ट इस तरह से भी कॉपी करके ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब डेस्कटॉप पे आ चुका है, हम लोग देखते हैं वर्डप्रेस, ठीक है। तो इस वर्डप्रेस का मैं नाम चेंज करूंगा, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम होगा मैं उसे लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसका नाम वर्डप्रेस ही रखता हूँ। तो इसे आपको कॉपी करना है, क्योंकि ये PHP प्रोजेक्ट में ही जाता है वर्डप्रेस, और HTDoc के अंदर में लेके हिंदी डेवटूल्स के अंदर में मैं डाल देता हूँ। आप चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं इस फोल्डर में, HTDoc के अंदर कहीं भी, तो चलिए बाहर ही डाल देते हैं, सबसे इजी होगा, पेस्ट, ठीक है। उसके बाद जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करें, आपका जाम का जो कंट्रोल पैनल है, क्योंकि PHP चलेगा तो उसके ऊपर वर्डप्रेस चलेगी, तो हमारा PHP अभी चल रहा है और उसके ऊपर हमने वर्डप्रेस का फोल्डर डाल दिया है। अब हमें एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे लोकल होस्ट, ठीक है, और PHP माई एडमिन, क्योंकि हमें एक डाटाबेस चाहिए, PHP माई एडमिन इस तरह से हम लोग जाएंगे, और PHP माई एडमिन में हम लोग खोल सकते हैं डाटाबेस का इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग न्यू एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे, और डाटाबेस का नाम देंगे हम लोग वर्डप्रेस, क्योंकि मैं एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्रिएट करूँगा, इतने ही आपका काम था और आपको कुछ नहीं करना है, इतने ही में आपका काम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपको एक नया टैब खोलना है फिर से, और आपको टाइप करना है लोकल होस्ट इस तरह से, लोकल होस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे स्लैश और आपका प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वर्डप्रेस, इस तरह से हम लोग वर्डप्रेस एंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं आपको वर्डप्रेस दिखा रहा है, ठीक है। हमने एक गलती कर दिया है, फोल्डर के अंदर रखा है, HTDoc में हम लोग जाते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं, और वर्डप्रेस के अंदर और एक वर्डप्रेस हो गया है और उसके बाद है। तो एक काम करते हैं, ये जो वर्डप्रेस है इसे हम लोग वर्डप्रेस को खोल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये HTDoc के अंदर वाला वर्डप्रेस डिलीट कर देता हूँ, सिंपल, आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये जो वर्डप्रेस है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, इसे डिलीट कर देते हैं हम लोग, डिलीट हो चुका। अब जो हमने इसे कॉपी किया था, इसके अंदर वाला फोल्डर को कॉपी करना है, ये वाला को,
जहाँ पे फाइल है उसे कॉपी करना है। तो इस तरह से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, पिछली बार गलती हो गया था, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। अब हम लोग एचटी डॉक के अंदर में वर्डप्रेस को डाल देते हैं इस तरह से। ये रहा वर्डप्रेस का, मैंने डाल दिया इस तरह से। अब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए लोकल होस्ट वर्डप्रेस। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो इंस्टॉलेशन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंटर करेंगे और आप देखेंगे कि आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है, हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इंस्टॉल हो गया। देखिए आप, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, इंग्लिश है, कंटिन्यू, और उसके बाद में लेट्स गो करना है। आपका डाटाबेस का नेम वर्डप्रेस हमने रखा है, यूजर नेम जो है वो आपको रूट डालना होगा, और पासवर्ड जो है हमने कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, सबमिट करना है, रन द इंस्टॉल करना है। और आपका वेबसाइट का नाम पूछेगा, साइट का टाइटल है हिंदी रेप टूर्स का वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद में यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ गलती से भी एडमिन ना रखें, आप अपना कुछ भी रखें, ठीक है, मैं भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईजी होगा। HTTP 1234 ये मेरा एडमिन पैनल रहेगा। पासवर्ड जो है थोड़ा मुश्किल रखें, आपको दिखाने के लिए मैं 1234 56 रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ना रखें, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे होना चाहिए, मैं हिंदी देव टूर्स, मेरा जो ईमेल आईडी है वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से .com, और उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, और थोड़ा इंतज़ार करेंगे, वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं बहुत फास्ट से बताया इसको इसलिए क्योंकि अगर मैं इसे धीरे से बताऊंगा तो 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा। अब लॉगिन कर लेते हैं हम लोग वर्डप्रेस में, और यहाँ पे हम लोग, आपको याद होगा मैंने दिया था HTTP 1234, और उसके बाद में पासवर्ड जो है मैंने दिया था 1234 56, एंटर, और हम लोग डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड चल रहा है, और मेरा जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट का काम है, अगर मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, वैसे मैं वर्डप्रेस का डेवलपमेंट भी करता हूँ, लेकिन आपको लोग अगर वर्डप्रेस सीख रहे हैं या फिर डेवलप करना चाहते हैं तो ये रहा आपका वेबसाइट। आप देख सकते हैं मेरा वर्डप्रेस में वेबसाइट भी बन गया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अपना लैपटॉप या पीसी को किस तरह से वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रेडी करें, जहाँ पे हमने PHP का सेटअप किया, ठीक है, और पाइथन का सेटअप किया, और साथ ही साथ वर्डप्रेस का सेटअप किया। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट का सेटअप देखना है या फिर वेब डिज़ाइन का सेटअप देखना है तो वो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो का नाम है हाउ टू सेटअप योर PC लैपटॉप फॉर वेब डिज़ाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आपका बहुत काम आएगा, चाहे आप नॉर्मल सीखना चाहते हो वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, या फिर आप डिज़ाइनर हो, या फिर वेब डेवलपर हो, या फिर आप फ्रीलांसर हो, तो भी आपको ये सेटअप, ये दो वीडियो आपका बहुत काम आएगा। अगर आपको ये दोनों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो पढ़ना चाहता है वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, उसके साथ में शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को हर रोज़ मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।